क्योंकि आप लोग शिक्षक हैं, ये एक बहुत बड़ा, कहते हैं शिक्षा देना एक बहुत बड़ा समाज को खड़ा करता है, क्योंकि अच्छा समाज बिना शिक्षा के नहीं आ सकता। जहां बेटे करण ने बताया कि ऑनलाइन शिक्षा से, मैं ये कहना चाहती हूँ अनुशासन बहुत ज़रूरी है, और वो घर में अनुशासन अगर आता तो बच्चों को स्कूल ना भेजते। अनुशासन जो आएगा वो केवल और केवल स्कूल से आता है जब बच्चे यूनिफॉर्म पहनते हैं। जब बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं तो वो ऑटोमेटिकली अनुशासन में आ जाते हैं, और जो अपने एक जो कहते हैं ना एक अपने से बड़े का आदर भाव, वो स्कूल से सीखता है, घर में वो नहीं सीख पाता। ये बात एक समाज के लिए, यदि हम अच्छा समाज चाहते हैं तो उसके लिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। वही यदि अभी गैर राजनीतिक में जिक्र करूं तो आप सब लोगों ने एक चीज़ देखी कि राजनीतिक मुद्दा बना देते हैं, लेकिन राजनेता भी अगर शिक्षित होगा तो वो अच्छा राजनेता बनता है। ये बात बहुत ज़रूरी है कि राजनीति में भी शिक्षा का बहुत बड़ा योगदान है, और आज जो राजनीतिक लोग बैठे हैं वो अशिक्षित हैं, वो शिक्षा की इस चीज को, इस कड़ी को समझ नहीं पा रहे, हमारे समाज को वो बहुत गलत दिशा में लेके जा रहे हैं। जैसे कि करण ने बताया रैली, वो रैली तो करते हैं तब उन्हें कोविड का डर नहीं होता, लेकिन यदि बच्चा स्कूल जाएगा तो कोविड का डर होगा। मैं ये कहना चाहती हूँ निरक्षरता है, उन्हें शिक्षा का पता नहीं कि ये शिक्षा क्या चीज होती है। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा है, कभी नहीं मिल पाता। और यदि मैं बात करूँ शुरू से लेके हमारी इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की, मैं ये नहीं कहती कि मैं राजनीतिक तौर पे, मैं एक सामाजिक तौर पे, क्योंकि ये एक सामाजिक संगठन भी है, क्योंकि आदरणीय स्वर्गीय चौधरी देवीलाल जी ने शिक्षा के लिए जब बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उनको एक रुपया देना शुरू किया था ताकि वो इस लालच में स्कूल जाए। स्कूल की कीमत उस वक्त के लोगों को पता है, उसके बाद जगह जगह दादाजी के नाम से संस्थाएं हैं, और जो संग्रिया में राजस्थान में भी जो हमारी संस्था है उसमें 16,000 बच्चे शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं। और अभय सिंह जी चौटाला इस बात के लिए, आपने जैसे देखा होगा उन्होंने, आज वो राजनीति में नहीं है, उन्होंने इस्तीफा दिया है केवल और केवल समाज के लिए, एक समाज को अच्छा संदेश देने के लिए, और कदम कदम पे हम समाज के साथ हैं, क्योंकि आप शिक्षक हैं, आप गुरु हैं। और एक हमारे कहावत भी है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो बताए। तो गुरु के बिना परमात्मा भी नहीं है, गुरु का दर्जा परमात्मा के समान है। जितनी मेरी बहनें बैठी हैं मैं आप सब लोगों की स्थिति समझ सकती हूँ, एक रसोई का बार और ऊपर से अगर हमारी इनकम का रास्ता भी बंद हो जाएगा तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेगी। आप सब लोगों ने हमें यहाँ मौका दिया, बल्कि मैं ये आप लोगों से सहयोग मांगती हूँ किसान आंदोलन के लिए भी, क्योंकि किसान का बच्चा स्कूल में पढ़ने आता है, किसान हमारी फीस देता है, तो किसान आंदोलन में भी मैं आप सब लोगों से जोड़ी पसार के योगदान मांगती हूँ कि आप किसानों का भी साथ दें। हम लोग आपके साथ हैं क्योंकि हमें एक अच्छे समाज का निर्माण करना है, और समाज के निर्माण के लिए हर वर्ग का एक आपस में संगठित होना बहुत जरूरी है। हम लोग आपसे संगठित हैं, आपसे भी यही आशा करते हैं, और इसी आशा के साथ आप सब लोगों ने मुझे यहाँ बोलने का मौका दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।